हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस के इस लाइव सेशन में स्वागत है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है संजय कोठारी टिप्ड टू बी सीबीसी एंड बिमल जुल्का इज सीआईसी। तो देखिए, इस न्यूज से आपको क्या समझ में आता है। तो बेसिकली देखिए, मुझे ये समझ में आया यहाँ से कि सीबीसी जो है हमारा और जो सीआईसी है, इन दोनों के लिए हमने नए कमिश्नर्स जो है वो चूज किए हैं और उनका नाम यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है संजय कोठारी एंड बिमल जुल्का, जो दोनों ही आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि सीबीसी जो है और सीआईसी जो है, इनका क्या काम है और ये किस तरह से क्या रोल निभाते हैं ये हमारा जो पूरा कंट्री है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात करी गई है कि द थ्री प्रिंसिपल एक्टर्स एट द नेशनल लेवल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो जंग है उसके लिए हमारे पास तीन जो है मेन हमारे पास एक्टर्स कहा गया है, उनको कुछ भी आप बोल सकते हैं। हमारे पास तीन मेन जो अथॉरिटीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमारे पास है लोकपाल, हमारे पास है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और हमारे पास में है सीबीआई जो कि है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हाल फिलहाल ये न्यूज़ क्यों सामने आ रही, क्योंकि जो सीबीसी है हमारा मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसको उस आयुक्त को किसे घोषित किया है, वो घोषित किया है संजय कोठारी को, जो कि हमारे नए सीबी के कमिश्नर होंगे, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे। और इसके साथ ही जो हमारा सीआईसी है, सीआईसी क्या है, इंफॉर्मेशन जो है हमारा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो कमीशन है उसमें जो नए कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो किसे नियुक्त किया गया है, बिमल जुल्का को। और आगे अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास में सीवीसी में कमिश्नर की जो पोस्ट थी, इसमें लास्ट जो हमारे कमिश्नर थे वो थे केवी चौधरी और उनके 6 जून 2019 में जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और उसके बाद में कुछ 6-7 महीनों से ये जो पोस्ट थी ये खाली थी। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये जो है इस तरह के जो हमने जैसे बताया कि करप्शन से हमारी जो जंग है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें जो हमारे तीन ये जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसमें से भी सबसे जरूरी और सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला अगर आपको एक इंस्टीट्यूट बताना हो तो वो कौन सा होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और मुख्य बात ये है कि इट इज फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ये किसी भी और अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है और इसका जो भी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज है, विजिलेंस एक्टिविटीज है, वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और इसके साथ साथ ये क्या कार्य करते हैं, ये और जो अथॉरिटीज है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको ये क्या है, इस तरह के एडवाइस देती है, इस तरह के सुझाव देती है, वो किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से वो जो प्लान है उसको पूरा कर सकते हैं, एग्जीक्यूट किस तरह से कर सकते हैं, ताकि जो हमारा विजिलेंस का कार्य है, देखरेख का जो कार्य है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं कि सीवीसी जो है इसको सेटअप किया गया था फरवरी 1964 के अंदर और उस टाइम हमारे पास में कमेटी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो कमेटी थी उस टाइम पे, जो जिसके हेड थे के संथा नाम, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस टाइम पे रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे पास में इस तरह की एक एजेंसी होनी चाहिए जो इस तरह की गतिविधियों की देख रेख करे और इसके अंडर में जो भी हमारे आए। तो इसके लिए एक एक्ट की भी जरूरत थी, जो एक्ट हमारा यहाँ पे बताया गया है जो कि है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। और आगे अगर हम बात करें कि ये जो एक्ट है ये इंडिपेंडेंट है और जो सीवीसी है हमारा वो भी इंडिपेंडेंट है और ये केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल, इसका उत्तरदायित्व केवल और केवल पार्लियामेंट के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है, जो से हमने बात करी थी, किसी भी और अथॉरिटी के अंडर में ये नहीं आता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी मेंबर कमीशन है। आप मल्टी मेंबर कमीशन से क्या समझते हैं, यानी कमिश्नर की बात तो हमने कर ली थी, जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो चेयरपर्सन होता है इसका, और उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या होते हैं, दो और विजिलेंस कमिश्नर्स भी होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं, लेकिन दो से अधिक कभी नहीं होंगे। तो एक हमारे पास में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए और दो कमिश्नर्स और हो गए, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास में तीन मेंबर्स जो है वो हो सकते हैं। अब बात करें कि ये जो कमिश्नर है इनका सिलेक्शन किस तरह से होता है, कैसे ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो भी कमेटी होती है उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर। और जो कमेटी है हमारे उसके अंदर कौन कौन पर्सन होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस बार नरेंद्र मोदी थे इस मीटिंग के अंदर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे जो भी एक और मेंबर होते हैं, और एक अपोजिशन का लीडर भी होता है इन द हाउस ऑफ द पीपल मेंबर। तो ये तीन जो लोग हैं ये कमेटी के मेंबर्स होते हैं। आगे अगर हम बात करें टेन्योर की,
the term of office of the Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioner is 4 years. यहाँ पे इनका जो कार्यकाल है Central Vigilance Commissioners का और Vigilance Commissioner का वो पूरा कितना है 4 साल का है या फिर जब तक उनकी उम्र जो है 65 वर्ष ना हो जाए. तो इन दोनों में से जो भी पहले अचीव कर लिया जाएगा उस हिसाब से जो है उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा. आगे देखिए कि रोल और फंक्शन क्या है. देखिए सीवीसी क्या कार्य करती है, इनके क्या रोल हैं. तो ये क्या करती है, सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट. तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है ये सीबीआई के अंडर में आता है और इनकी हेल्प से जो सीवीसी है वो अपने सारे इन्वेस्टिगेशन के जो कार्य है वो पूरे करवाती है. और ये सब चीज़ें जो आती है वो आती हैं हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत. सीवीसी क्या करती है, सीवीसी को कंप्लेंट्स मिलती हैं करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर या फिर किसी भी तरह का अगर कोई मिसयूज दुरुपयोग हो रहा है ऑफिस के अंदर तो उसके लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन, सही तरह के एक्शन यहाँ पे लिए जाते हैं. कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं, यूजुअली वो कोई भी पर्सन हो सकता है. बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बॉडीज और पर्सन कैन अप्रोच सीवीसी. सीवीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच कर सकती है, लोकपाल अप्रोच कर सकते हैं और विसल ब्लोअर्स अप्रोच कर सकते हैं. अब देखिए विसल ब्लोअर्स क्या है, इनके बारे में जानते हैं हम. मोटा मोटा यही था कि ये मुख्यतः ये तीन लोग हैं जो अप्रोच कर सकते हैं. विसल ब्लोअर जो है, विसल ब्लोअर जो है वो कोई भी आदमी हो सकता है. देखिए बेसिकली जिसको किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हो और वो वहाँ से उसको प्रोवाइड करवाना चाहता हो गवर्नमेंट को या सीवीसी को, जिसमें उसे शक हो कि यहाँ पे या तो भ्रष्टाचार की वजह, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई गतिविधियाँ हैं वहाँ पे चल रही हैं, तो इसकी देख रेख कौन करेगा, सीवीसी. यहाँ पे आपको लोगोस दिए हुए हैं सीवीसी और सीआईसी दोनों के. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का ये लोगो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसमें आपको एक आंख जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी. तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा जो है वो एक सतर्क, अगर हम बात करें सतर्क तरह का एक हमारे पास कमीशन है जो इस तरह की गतिविधियों पर खास निगरानी रखता है. लेकिन सीवीसी के अगर हम बात करें तो इसके पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है. यानी इस तरह की जो गतिविधियां उनके बारे में और जानकारी निकलवानी और खबर निकलवानी हो तो खुद का इनका कोई इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है. तो इसके लिए ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट होते हैं हमारे सीबीआई के ऊपर और चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स के ऊपर. बट सीबीआई जो है उसके पास में अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन विंग है और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो कौन है, दिल्ली स्पेशल पुलिस. तो ये हमने बात करी सीवीसी और सीवीसी के बारे में और किस तरह से वो अपने कार्य पूरे करती है. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.